मेरे साथ मौजूद हैं ओखला विधानसभा सीट के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब। आसिफ साहब, आज आपकी सीट पर सीईसी के बाद पेंच फंस गया है, वहाँ परवेज हाशमी को भी आपके साथ साथ बराबर का उम्मीदवार माना जा रहा है। साथ ही साथ आज जो घटना घटी सीईसी के अंदर, सुभाष चोपड़ा जी परवेज हाशमी के लिए अड़ गए, उन्होंने कहा अगर उनको टिकट नहीं होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे और नाराज थे। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं सभी कैंडिडेट अपने आप को कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे। मेरा तो ये मानना है कि, और मुझे यकीन भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास तमाम जो पब्लिक फीडबैक है वो मौजूद है, और जो भी पार्टी फैसला करेगी मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हक़ में फैसला करेगी, क्योंकि वहाँ परवेज साहब तो लगभग 10 साल से वहाँ रहते भी नहीं हैं और ना वहाँ पब्लिक टच में है वो, और इसलिए मेरा दावा सबसे मजबूत बनता है। 2013-08 में भी मैं जीत कर आया, और 2013 में जब कुल 8 एमएलए कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए, मैं उसमें भी जीत कर आया, और 2015 में सभी को पता है कि दिल्ली में कोई सीट नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद मैं अच्छे वोटों से वोट लेकर आया था, और क्योंकि मैंने फिर 5 साल मेहनत की है और जो पब्लिक का फीडबैक मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के पास जो सर्वे हुए होंगे उनके पास ज़रूर मौजूद होगा, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस आला कमान जो है वो मेरे हक में फैसला करेगा। लेकिन आसिफ साहब, आपकी सीट उन 8 विवादित सीटों में है जिस पर एक बार फिर बैठक होनी है, और बाकी की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से जो सीसी में लिस्ट गई थी वो आज डिक्लेयर हो जाएगी, तो अब बहुत कम वक्त बचा है। बाई चांस अगर आप मान के चलते हैं आपका होता है तो यू आर लकी, इन केस अगर आपका टिकट कटता है तो तब आपका क्या कदम होगा? नहीं देखिए, मैं तो अभी पूरा मुझे यकीन है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड मेरे हक में फैसला करेगा, और एक बार ऐसा भी हो चुका है जब मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ 2008 में जब मैंने टिकट मांगा था और मुझे नहीं दिया गया था, तो मैंने एज ए इंडिपेंडेंट वहाँ से फ़ाइट की थी और मैं जीत कर आया था, और कांग्रेस 4th पोजीशन पे थी वहाँ पर, फाइट में भी नहीं थी, तो मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और स्क्रीनिंग कमेटी के पास तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, तमाम सर्वे की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि किसी के दोस्ती में या भाई भतीजेवाद ये सब नहीं एक्सेप्ट करेगा हाईकमांड, और अब जो फैसला है वो कांग्रेस के हाईकमांड को ही करना है। हायर जो हमारे नेता हैं आला कमान में बैठे हुए, वो सारे हालात पे मुझे पूरा यकीन है कि नज़र रखे हुए हैं और वो मेरे हक में फैसला करेंगे। तो ये थे आसिफ मोहम्मद खान, जिनका ये कहना था कि उनकी दावेदारी ओखला से पूरी तरह मजबूत है और परवेज हाशमी पिछले 10 साल से वहाँ के संपर्क में नहीं है, वो निरंतर ओखला में मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। कैमरामैन शाम के साथ बिलाल सबजवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।